बीम ऑफ लाइट या डे ऑफ लाइट आप पास कर रहे हैं, तो ऐसे आपको स्कैटर्ड दिखेंगे जिसके थ्रू आप लाइट के पाथ को देख सकते हैं। एंड अनदर वन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर क्वालिटी ऑब्जर्वेशन इज द पार्टिकल्स शो ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ब्राउनियन मोशन इज एक्चुअली जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। आप पार्टिकल्स के जिगजैग मोशन को देख सकते हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसके दो जो कैरेक्टरिस्टिक थे वी शो रिंगल इफेक्ट एंड पार्टिकल शो ब्राउनियन मोशन। तो इज इट क्लियर? नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक्स इन दिस कोलोइड्स के डिफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोलोइड्स सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलोइड्स जो होते हैं उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स उनको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड पेज इनफैक्ट डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के टर्म्स में हम सॉलिड पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम, या सॉल्यूशन को कहेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। इसका कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे पहले आप एग्जांपल लीजिए फिर समझिएगा एक्चुअली क्या लेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है मिस्ट या क्लाउड्स, क्लाउड्स बादल। ये एक्चुअली इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल। एरोसोल नाम से पता है, कुछ आप नाम से भी गेस कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, कौन सा डिस्पर्स पेज है, कौन सा डिस्पर्स डिस्पर्शन मीडियम है। तो एरोसोल से आपको नाम पता है कि एयर में लिक्विड एयर्स, लिक्विड एयर्स जैसे आप देखेंगे इसमें डिस्पर्स पेज क्या है, लिक्विड है, और इसमें वो पहले होते हैं गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। डिस्पर्स पेज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम होता क्या होता है, जैसे हमने वाटर और सॉलिड को लिया था, सॉलिड सॉल्यूट था और वाटर जो है सॉल्वेंट था, तब सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिल गया। लेकिन कोलोइड्स में होता क्या है, या तो लिक्विड गैसेस में डिस्पर्स होते हैं, या सॉलिड गैस में डिस्पर्स होते हैं, या सॉलिड सॉलिड में डिस्पर्स होते हैं, या लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में है, मैंने यहाँ समझाने के लिए तीन चार एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि एक्चुअली ये क्या है। लिक्विड एयर्स होते हैं, जैसे इसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस। गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, गैसेस पार्टिकल्स में लिक्विड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं जिनको कि हम कहते हैं लिक्विड एयर्स। आप एग्जाम्पल देखिए, आप इन चीज़ों को पढ़िए और इमेजिन करिए, ये बहुत इजी है पढ़ने में। अब आते हैं एरोसोल, डस्ट या स्मोक इसका एग्जाम्पल है। बाइक स्टार्ट करते हैं आप, उससे जो स्मोक स्मोक निकलता है उसमें आप उस स्मोक में छोटी छोटी कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड होती है, ब्लैक ब्लैक। या आप एग्जाम्पल डस्ट देखिए, आप सनलाइट को देखते हैं जब किसी विंडो से आती है, डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं। तो वो एग्जाम्पल उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या नाम दे सकते हैं, एरोसोल दे सकते हैं, एयर सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसेस मीडियम, सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसेस मीडियम। अब आते हैं लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, इसका एग्जाम्पल है इमर्शन। जैसे फ्रेम एंड मिल्क, मिल्क क्या होता है, मिल्क बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, फैट पार्टिकल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में लिक्विड में ही डिजॉल्व रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, लिक्विड लिक्विड को कहते हैं इमल्शन। और एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रीन मिल्क हो गया। अब सॉलिड सॉलिड का भी पार्टिकल्स का होता है मिक्सचर होता है, जैसे डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो गया उसमें डिस्पर्स। आप एलॉयज टू टाइप्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स मेटल्स को मिला के, या आपने
आपका क्रिकेट टर्म है मार्स में। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दे दिया है। आप टेक्स्ट बुक खोलिएगा, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये बहुत ईजी है। तो आप उसको अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से लिख के उसको पूरा डेटा तैयार करिएगा ताकि क्वेश्चन जो आता है तो आपसे कोई मिस ना हो। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 9th का, जो कि है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा दे रही हूँ। प्रोसेस टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इसमें कई सारे फिजिकल प्रोसेस हैं जिसको हम पढ़ेंगे कि कैसे आप मिक्सचर्स के कॉम्पोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है साल्ट वाटर या जो भी होता है मिक्सचर होता है, इस ये बात इनको इनको अलग करने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इनका होना चाहिए कि वन कंपोनेंट शुड बी वोलाटाइल। उनका एक कंपोनेंट जो है वोलाटाइल होना चाहिए, दैट इज वेपोराइज करने वाला होना चाहिए इजीली। जैसे कि साल्ट वाटर मिक्सचर, जब आप उसको गर्म करेंगे शुगर या वाटर मिक्सचर को एक पैन में लेके बर्नर के थ्रू, तो थोड़ी देर में क्या होगा इवेपोरेशन हो जाएगा और नीचे रेसिड्यू बच जाएगा, रेसिड्यू ऑफ साल्ट और शुगर। जिसका भी आप सॉल्यूशन लेंगे उसका यहाँ पे रेसिड्यू बच जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि इंक एंड वाटर जो है, जैसे मैंने इसको यूज किया, इसमें जो मैंने लिखा है ये इंक किसका है, डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। कैसे आप इसको करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं, इंक जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं, ये जो मैंने जिससे लिखा है दिस इज नॉट प्योर, दिस इज मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। सिमिलरली मैंने जैसे बताया इवेपोरेशन में क्या होता है, वन कॉम्पोनेंट शुड बी वोलेटाइल। अगर दो मिक्सचर हम ले रहे हैं दो चीज़ों का, तो एक मिक्सचर को वोलेटाइल होना चाहिए ताकि वो जल्दी से वेपोराइज हो जाए, या तो सॉल्वेंट को वोलेटाइल होना चाहिए या सॉल्वेंट को वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे कि कॉमन साल्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इवेपोरेशन। बेसिकली साल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी वाटर को शैलो पिट्स में कलेक्ट करते हैं, थोड़े थोड़े शैलो पिट्स में कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स आफ्टर सम टाइम वाटर वेपोराइजेस एंड वी कैन गेट साल्ट पार्टिकल्स। मतलब उसके बाद जो वाटर वेपोराइज होता है तो हमने जो है साल्ट मिलता है, जिसको कि फर्दर रिफाइन करके या प्योरीफाई करके हम लोग अपने कॉमन यूज में लेते हैं, बट बेसिकली साल्ट इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो शैलो पिट्स होते हैं
आपको बताऊंगी, ठीक है? ओके।